में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रंगों से अलग अलग कलाकृतियां बनाई है। कल्पना, जैसे मैंने पहले कहा था, कल्पनाओं को आकार देना वो कलाकार का काम होता है। और आज यहाँ पर जो इतने लोग जमा हुए हैं, मैं मेरी बात एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी से शुरू करता हूँ। आपने देखा होगा मेरी उम्र के मुश्किल से 2-4-5 जने हैं, हम लोग के घरों में पहले दर्जी बिठाकर कपड़े सिलाए जाते थे, अगर आपको याद हो तो। दर्जी जब घर पे आता था तो वो क्या करता था, कपड़े से जब सिलाई करता था और कटिंग करता था तो कटिंग करने के बाद कैंची को नीचे रख देता था और सुई को जो है ना अपने यहां लगा लेता या शायद अपने टोपी में लगा लेता। तो मैं अक्सर ये चीज देखा करता था। तो एक दिन मैंने मेरे पिताजी से पूछा कि पापा, ये दर्जी जो है कैंची को तो ये पांव के पास या नीचे रख लेता है और ये सुई जो कि चुभने वाली चीज है और उसको अपनी टोपी में या जेब में रख लेता है, तो क्या, मैं समझ नहीं पा रहा। तो दोस्तों, मेरी बात आप तक पहुंचे तो ताली बजाना। तो मेरे पिताजी ने कहा, बेटा ये कैंची जो है ना काटने का काम करती है और ये सुई जो है ना जोड़ने का काम करती है। तो जो जोड़ता है उसको सर पर बिठाना चाहिए और जो काटता है उसको पांव के नीचे रखना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, जो बात हो रही जोड़ने की, घनश्याम जी है, सुनील गुप्ता है, उड़िया जी हैं, शर्मा जी हैं, राजन है, सरदार जी, शेरगिल साहब, हमारे मित्र दिवेश जी, तो ये जो कुछ भी जोड़ा गया है, मैं उन जोड़ने वालों को बहुत बहुत सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, बहुत धन्यवाद। महिलाओं के भी लगभग उपस्थिति इक्वल टू मेल मेंबर्स है। तो मैं अक्सर, हम लोग कहते हैं मंचों से कि अमीर वो नहीं होते जिनके घर में खोखे और पेटियां होती है। खोखे बोलते हैं करोड़पतियों को, पेटियां मतलब लखपति। अमीर वो नहीं होते जिनके घरों में खोखे और पेटियां होती है। दोस्तों, अमीर तो वो होते हैं जिनके घरों में खिलखिलाती बहुएं और बेटियां होती हैं। मैं सबको फिर से सलाम करता हूँ और आपके घर वाले जो आपको तवज्जो देते हैं, काम करने की आज़ादी देते हैं, मैं उनको भी नमस्ते करता हूँ, उनको भी सलाम करता हूँ। अभी हम रुबिया जी के बारे में लगभग सबको मालूम है, अभी इन्होंने खुद भी कहा, आर्ट लवर है। देखिए सर, फोटो फोटो मैं आप एक बहुत रोचक चीज कहने जा रहा हूँ, बहुत रोचक चीज। देखिए बोलते हैं उर्मिल जी, बहुत अच्छी कवित्री हैं कलाकार के साथ में। और देखिए इस उम्र में इनका जज्बा देखिए आप, गणपति वंदना गए। ओ सीमा जी, आप भी आएंगे यहाँ पर? आई सीमा जी ने अभी गणपति वंदना गाई। इतने सारे काम एक साथ में कर रहे हैं, एक साथ ग्रुप से ले लो ना, सब लोग आ जाओ, जितने आर्टिस्ट हैं सब लोग आ जाओ, इस बार सब एक साथ आ जाओ। आज दिया को थोड़ा सा साइड में नहीं बनाएंगे, जब तक केक नहीं बनाएंगे। हमने देखिए सारे फोटो मेरे पेंटिंग के पीछे आ रहे हैं। थैंक यू।